दिल्ली के बारे में अगर कहें तो यहाँ इतिहास के इतने पन्ने हैं जो कई सारे राज से दबे पड़े हैं। एक जगह है जिसका इतना जिक्र नहीं होता, दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच में ये जगह प्रगति मैदान के पास है। इसके बारे में लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा सुना है ना बात की है। इस जगह का नाम है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा ये जो नाम है अपने आप में ही थोड़ा अजीब है। जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ हिस्टोरियन से बात की, तो पता चला कि ये नाम असल में इस दरवाजे का कैसे पड़ा, कि इसका नाम तलाकी दरवाज़ा ही होना चाहिए। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया। तलाकी दरवाज़ा बेसिकली पुराने किले का दक्षिण छोर वाला दरवाज़ा है जिसे तलाकी दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ उस वक्त के राजा थे, जो यहाँ राज किया करते थे, वो उसी दरवाजे से बाहर निकले थे अपनी पूरी सेना को लेकर एक जंग के लिए। और जब वो बाहर निकले थे तब पलटकर जो लोग पीछे छूट गए, चाहे उनका परिवार हो या उनके बच्चे, जो भी लोग थे, इनसे उन्होंने कहा था कि अगर हम जीतकर वापस ना लौटे तो ये दरवाज़ा मत खोलना। ये बात रखी गई थी और ऐसा ही हुआ। राजा और उसकी पूरी सेना इसी दरवाजे से बाहर निकली जंग के लिए। और ये उनका दुर्भाग्य था कि वो लोग अपनी उस वाली जंग को हार गए। ना सिर्फ हारे बल्कि राजा की भी मौत हो गई। उसके बाद से पुराने किले के इस दक्षिणी दरवाजे यानी कि तलाकी दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस राजा और जो लोग उस जंग में मारे गए थे उन सब की याद में। और तब से कहा गया है कि ये दरवाजा जाना जाएगा उस राजा की याद में और हमेशा बंद ही रहेगा, वो इस्तेमाल में नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो कहानी है, ये कहानी भी अपने आप में इतनी सही नहीं है, हिस्टोरिकली सही नहीं है। इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो राजा इस जगह पर राज किया करते थे वो थे शेरशाह और उनके पुत्र, और वो दोनों कभी इस दरवाजे से लड़ाई के लिए निकले ही नहीं थे। तो एक अलग एंगल से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इस कहानी में कोई भी दम है। लेकिन एक बार के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि कोई राजा रहा होगा जो इस दरवाजे से बाहर निकला होगा, वो रणभूमि में गया होगा, वो हार गया होगा, उसकी मौत हो गई होगी, और उसके बाद इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया होगा। इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये हॉन्टिंग की खबरें कहां से आ गई? तो इसके लिए, ये जानने के लिए, यहां कुछ ASI के लोगों ने, कुछ हिस्टोरियन से, कुछ जानकारों से, कुछ लोकल लोगों से जिनके पास जानकारी है, जिनके पास कुछ पुख्ता सबूत है, जिसके दम पर कुछ बता रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मगर ज्यादा कुछ खास जानकारी नहीं मिली। किसी को ये पता नहीं था कि ये हॉन्टिंग की कहानियां कहां से आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे हॉन्टिंग्स क्या क्या होती हैं। लोगों ने क्या बताया यहां के बारे में कि उन्होंने यहां एक जानवर की आत्मा को देखा है। वो ये दावा करते हैं, लोगों का ये मानना है कि कोई एक बड़ा सा जानवर है जो अक्सर एक साय के तौर पर यहां लोगों को दिखता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक अजीब से जानवर की आवाज को सुनने का दावा भी किया है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ी अपने आप में बड़ी अलग सी इंफॉर्मेशन है। अब जाहिर सी बात है, ये एक हिस्टोरिकल जगह है, बहुत सारे लोग वहां पे आते जाते हैं, घूमते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जानवर की कहानी शुरू कहां से हुई। मान लेते हैं वहां कोई ऐसा जानवर भी है, कई सालों से लोगों को वहां डरा रहा है। हालांकि ऐसे कोई भी जिंदा जानवर के वहां होने की जानकारी ना तो वन विभाग वालों को है और ना वहां के लोगों को है कि दिन में उन्हें कभी कोई ऐसा खतरनाक जानवर दिखा हो। अब ये जगह दिल्ली के बीचों बीच प्रगति मैदान के पास, आबादी घनी वाला क्षेत्र, हर तरफ लोग भरे हुए हैं,
24 घंटे वहां हलचल रहती है। ऐसी सिचुएशन में एक बड़े और भयानक से जानवर का वहां होना और लोगों की नजरों से छिप जाना, ये थोड़ा अजीब सा है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बातें समझने की कोशिश करें यहाँ के लोगों के हिसाब से कि यहाँ एक बड़े सी जानवर की आत्मा है जो रात में यहाँ दिखती है और कुछ लोगों ने आवाजें भी सुनी है, क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? जब मैंने पहली बार यहाँ के बारे में सुना, एक बड़े से जानवर की आत्मा या कोई साया जो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों को डरा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? अब मैंने इसके आसपास की जगह को देखना शुरू किया। क्या कोई जंगल है? हाँ, हो सकता है कोई ऐसी जगह जहां वो बड़ा सा जानवर छुपके रह रहा हो। फिर मैंने पाया कि इस जगह के आसपास कोई घना जंगल तो नहीं है और ना ही कोई ऐसी जगह के कोई बड़ा सा जानवर वहां सालों तक छिपा रहे सबकी नजरों से और किसी को पता ना चले। अब इसके बारे में जानकारी तो जुटानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद वहां पर जाऊं। तो मैं वहां पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो दिन के 12 बजे के आसपास कुछ लोग वहां पर थे। लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे, कुछ बाहर ठेले वाले खड़े थे। अब अगर ऐसी कोई लोकेशन आपको देखनी हो, वहां के बारे में जानना हो, तो ये लोग बहुत बेस्ट होते हैं। इनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि ये लोग वहां रोज आते हैं। सुबह से शाम तक जब तक लोग वहां आते जाते रहते हैं, ये लोग वहीं रहते हैं। अब इनकी रोजी रोटी भी तो यही है। अब मैंने वहां इनसे बातचीत करने की कोशिश की, डिटेल में जानने की कोशिश की कि क्या आपने कभी ये कहानियां सुनी है यहाँ के बारे में? आपको अगर रात में यहाँ देर हो गई और आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो? तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, ना हमने कुछ सुना है। मगर हम लोग कभी कभी जब सुबह जल्दी आते हैं तो कई लोग बताते हैं कि रात में उस फलाना फलाना आदमी के साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा अगर आप ठीक ठीक बताएंगे कि किसके साथ क्या हुआ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो बोला हमने सुना है कि 2-3 लड़के रात को अपनी गाड़ी में यहाँ आए थे, यहीं रुक गए थे, गाड़ी में शराब वगैरह पी रहे थे और 3-4 बजे के आसपास उनको कुछ बहुत अजीब सी आवाज आई। उसके बाद वो डर के मारे अपनी गाड़ी में वापस बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइट ऑन की और जैसे ही हेडलाइट जली तो उसकी रोशनी में सामने जो दरवाज़ा था, दरवाजे पर रोशनी पड़ी और उनको ऐसा लगा कि सामने दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा जानवर खड़ा है, बहुत बड़ा सा। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से घुमाई और फटाफट निकल गए। अगले दिन वो वापस आए, करीब 2-3 बजे दिन में वो वापस आए और उनके साथ पुलिस वाले भी थे। और फिर यहाँ तलाशी शुरू हुई कि जानवर की तलाशी की जाए, पर ऐसा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद 1-2 बार इसी तरीके के और हादसे हुए, क्योंकि ये जगह पे लोग अक्सर आते जाते हैं और रात को शराब वगैरह पीते हैं और फिर अपने चले जाते हैं, तो उनके साथ कई बार ऐसा कुछ हो जाता है। मैंने पूछा आप लोग यहाँ डेली रहते हैं, डेली आते हैं, तो आप में से किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? तो सभी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ। अब यहाँ पर एक ऐसी जगह दिल्ली जैसे शहर में जांच पड़ताल थोड़ी फंस जाती है। कोई कहता है कि इस जगह पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो कोई कहता है यहाँ कुछ नहीं होता, और सबसे अजीब वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ सुना है कि यहाँ पर कुछ होता है। तो अब यहाँ पर जांच फंस जाती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, यानी कि ये जो कहानी है, ये एक पत्रकार की कहानी है, तो अब इन्होंने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शाम ढलने के बाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, रात के तकरीबन 10 बजे मैं और मेरा कैमरामैन वहां पे पहुंच गए। मैंने कुछ कैमरे लगाए उस जगह पर, क्योंकि सबूत बहुत ज़रूरी हैं, हमें तथ्य नहीं सबूत चाहिए। कुछ मोशन सेंसर अलार्म भी लगाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ वहाँ देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सभी सेंसर लग चुके थे, कुछ होगा तो मुझ तक खबर ज़रूर पहुँचेगी। समय बीतता गया, रात के करीब 2-3 बजे तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। जब मुझे यकीन हो चला कि इस जगह के बारे में
ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लगभग 4:30 बजे के आसपास हम वहां से निकल गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि हो सकता है मैं गलत टाइम पे वहां पे चला गया, क्योंकि जिस दिन या जिस रात को मैं वहां गया था उस समय वहां भीड़ ज्यादा थी। मतलब कहीं पर कुछ था, जैसे पार्टी वगैरह हो रही हो, म्यूजिक की आवाज कानों तक आ रही थी। मुझे लगा इतने शोर शराबे में क्या पता वहां कुछ हो जो मुझसे शायद बच गया हो। अब हमने डिसाइड किया कि अगले दिन मतलब रात को फिर वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इस बार हम ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं गए। इस बार हम वहाँ पे 11 बजे से 5 बजे तक थे। अब जब हम दोबारा गए तो हमने सब कुछ वैसे ही किया जैसे पिछली रात को किया था। सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनें, सारे कैमरा, सेंसर, अलार्म सब वैसे ही लगा दिए। हम वहाँ देखते रहे, ढूंढते रहे, समय बीतता रहा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन कुछ नहीं। अब जब हमने सोचा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और घड़ी में तकरीबन 3:13 हुए, जी हाँ, टाइम बहुत अच्छे से याद है मुझे और शायद जिंदगी भर रहेगा भी। 3:00 हुए ही थे, मैंने अपनी गाड़ी से एक बोतल पानी निकाला, मैंने पानी पिया, गाड़ी के अंदर पानी की बोतल वापस रखी, गाड़ी लॉक की, बाहर निकला। और जैसे ही मैं बाहर निकला और कुछ कदम चला होऊंगा, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और वहां से आती है एक आवाज। बड़ी अजीब सी आवाज थी। जैसे ही आवाज मेरे पास आती है, एक बार के लिए मैं जहां पे था मैं वहीं खड़ा रह गया कि ये अचानक हुआ क्या। जो मैंने आवाज सुनी थी वो आवाज तेज थी, मतलब रात के सन्नाटे में काफी तेज थी। ये आवाज मेरे दाहिने तरफ से आ रही थी। वहां उस साइड में झाड़ियां थी और ये आवाज वहीं से आ रही थी। वो झाड़ियां मुझसे थोड़ी दूरी पर थी और एक बात सच कहूं, मैं वो आवाज सुनकर बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे लगा अगर ये कोई बड़ा वाला जानवर है जैसा लोग बताते हैं, जैसा कि उन्होंने कहानियां सुनी है, अगर वैसा कुछ है तो मैं करूंगा क्या। शायद अब वो बड़ा जानवर मेरे ऊपर छलांग मार देगा और मुझे चीर फाड़ के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और आज मेरा ये आखिरी दिन या आखिरी रात है। कुछ ही सेकंड्स में मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे और ये आवाज रुक नहीं रही थी, आती जा रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। थोड़ा वक्त लगा मुझे संभलने में। मैंने टॉर्च गलती से पानी पीते वक्त गाड़ी में ही छोड़ दी थी, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और मैंने फ्लैश लाइट ऑन की और तब मैंने वो टाइम देखा था, इसलिए मुझे वो टाइम ठीक से याद है। 3:13 पर जब मैंने वो आवाज सुनी थी तो मैं पूरी तरह से वहां स्तब्ध हो गया। वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े होना, बिल्कुल वैसा उस वक्त मैंने फील किया। मेरा कैमरामैन मुझ तक टॉर्च लेके आया और मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ रहा हूं और वो आवाज धीरे धीरे और करीब, मेरे और करीब और तेज होती जा रही है। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उस आवाज की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था और अब वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में कई बार आपको कुछ आवाजें आती हैं और ऐसी जगह पर जो कहते हैं कि हॉन्टेड लोकेशन है, वहां पर किसी ऐसी आवाज का होना सवाल तो खड़े करता है, आपके मन में डर बैठ जाता है। और यही तब मेरे साथ हुआ। एक बार को तो मुझे लगा कि आज मैं गया काम से, लेकिन सवाल अब भी यही कि वो आवाज थी किसकी और कौन था वहां, क्या चाहता था वो जानवर। अगर कहानियों की, उन लड़कों की या जो वहां ठेले वाले हैं उन लोगों की बातों पर यकीन करें कि यहाँ पे किसी जानवर की आवाज आती है, झाड़ियों से किसी जानवर की आवाज आती है, तो ये बात सच है। और वो आवाज जब आप अपने कानों से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो उस वक्त मेरे साथ हुआ। डर की सही भाषा मुझे उस दिन मतलब उस रात साफ साफ समझ आई। एक जानवर की आवाज वहां जरूर आती है, लेकिन वो कितना बड़ा जानवर है, कैसा जानवर है, इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन वहां कुछ ना कुछ है जरूर। वहां उस
तलाकी दरवाजे पर आवाज कुछ आती जरूर है।